बैसाख के महीने की ये जो कथा एकांतेश्वर शिव महापुराण की जो कथा मिली है, ये कोई साधारण कथा नहीं। हमें भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का मौका मिला। सात दिन में थोड़ा थोड़ा भी अगर हमने अपनी जिंदगी में उतारा है तो वो हमारे जीवन के लिए कहीं ना कहीं सुख देने वाला है। एक बात बहुत सावधानी से स्मरण में रखिएगा कि जब गर्भ में बच्चा रहता है, जब गर्भस्थ बालक रहे, गर्भस्थ संतान रहे, उस समय पर ना तो हमें निंदा करना चाहिए और ना कभी हमें निंदा सुनना चाहिए। जब गर्भस्थ संतान रहे तब एक बहुत विशेष स्मरण अपने जीवन में, एक कटोरी में पंचामृत बनाकर ले जाते हैं, दूध दही शहद घी शक्कर ये सब मिलाकर यदि आप लेकर जाते हैं और ले जाकर भगवान शंकर के सामने समर्पित करते हैं, बेलपत्री अशोक सुंदरी, अभी तक आपने जो बेलपत्री चढ़ाई है अशोक सुंदरी के ऊपर, डंडी का मुख जहाँ से पानी बहता है उस ओर रखा जाता है, पर जब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पितृ भूखे हैं या हमारे पूर्वज प्यासे हैं या उनको भाग नहीं मिल रहा, इसलिए मेरा कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए शिव राजी नहीं हो रहा है, तो ये बेलपत्री के भाग को बदल दिया जाता है। ये बेलपत्री अशोक सुंदरी की जगह पर जब चढ़ाया जाता है तो ये पत्ती का जो भाग है जहां से पानी बहता है उस ओर रखा जाता है और ये डंडी का भाग शिवलिंग की ओर रखा जाता है, और यहीं पर भगवान शंकर को जो तुम पंचामृत बनाकर लेकर गए हो वो पंचामृत चढ़ाया जाता है और वही पंचामृत थोड़ा सा शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद में पितृ पूर्वज जल की आस नहीं रखते, ना भोजन की आस रखते हैं, क्योंकि शंकर उनको तृप्त कर देते हैं, शिव उनको पूर्ण कर देते हैं।